हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेसन 43, जहां पर हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और इस कॉलम में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। हम यहां पर ये भी देखेंगे कि कैसे समय के अकॉर्डिंग हमें सिंस, टिल या फिर फॉर का यूज करना होगा। पॉइंट ऑफ टाइम होने पर से लिख के आने पर उसके अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा सिंस, और जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम के साथ तक लिख किया जाए तो उसके अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा टिल, और बात अगर पीरियड ऑफ टाइम की हो तो चाहे से लिखा और चाहे तक, दोनों के अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा फॉर का यूज करना होगा। आपको यहाँ पर माइंड ये करना है कि अगर आपने प्रीवियस लेसन को अच्छी तरीके से वॉच नहीं किया है तो आपको ये लेसन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और कैसे उसके साथ से जुड़ के आने पर हम उसके अंग्रेजी क्या बना देते हैं सिंस, और बात पीरियड ऑफ टाइम की हो तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेसन में डिस्क्राइब की है। तो आपको करना यह है कि पहले आप प्रीवियस लेसन को देखिए, यानी लेसन 42 को देखिए, और उसके बाद इस लेसन को वॉच कीजिए, आपको सारी बातें बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए तो मैंने आपके सामने पहचान लिखी है क्या, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, या फिर तक रहा, तक रही, तक रहे, और ये दोनों ही हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, जहां पर से और तक, ये वाला से और ये जो तक है ना, ये हमारे समय के साथ में जुड़कर आएगा। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ से जुड़ के आ जाए तो आप सिंस लगा दीजिए, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ अगर तक लिखा हो तो हमें क्या लगाना होगा टिल, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ चाहे से लिखा हो और चाहे तक लिखा हो, दोनों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा फॉर का यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा होता सुबह से, तो सुबह क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, तो अगर मैंने आपसे कहा सुबह से तो अंग्रेजी क्या बनेगी सिंस मॉर्निंग, और अगर मैंने आपसे कहा होता सुबह तक तो हमारी अंग्रेजी क्या बन जाएगी टिल मॉर्निंग। अगर मैंने आपसे कहा 7 बजे से तो अंग्रेजी बनेगी क्या सिंस 7 o'clock, और अगर मैंने आपसे कहा 7 बजे तक तो हमारी अंग्रेजी क्या बनेगी टिल 7 o'clock। अगर मैंने आपसे कहा सन 2002 से तो अंग्रेजी हमारी क्या बनेगी सिंस 2002, और अगर मैंने आपसे कहा होता कि सन 2002 तक तो हमारी अंग्रेजी क्या बनती टिल 2002। अगर आपने कहा 2 घंटों से तो हमारी अंग्रेजी क्या बनेगी फॉर 2 hours, और आपने कहा 2 घंटों तक तो भी हमारी अंग्रेजी क्या बनने वाली है फॉर 2 hours। तो आपको सेंस फॉर और टिल का यूज समय के अकॉर्डिंग करना होगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को पहचान कर ही करना होगा। अब फ्रेंड्स, इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इनमें स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और इसमें एग्जाम्पल कैसे बोले और बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर लिखे हैं, और इनका यूज हमें प्रीवियस लेसन की तरह सेंटेंस को पहचान कर करना होगा कि किस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। अब ध्यान से देखिए तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो अगर मैंने आपसे कहा कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ये सेंटेंस हमारा कहां से बनने वाला था स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट वन से। सबसे पहले हमें क्या रखना होगा सब्जेक्ट, जो कि यहां पर कौन हो गया ही। माइंड आप कीजिएगा कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, बात अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जा रही है तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी हैड बीन, यानी कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो आपको सबके साथ हैड बीन का ही यूज करना होगा। तो ही के बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर हैड, और फिर क्या ऐड करना होगा बीन। अब हमें रखनी है वर्ब की कौन सी फॉर्म आईएनजी फॉर्म, और हमारे यहाँ पर वर्ब क्या थी खेलना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्ले, लेकिन आपको यहाँ पर प्ले नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना होगा प्लेइंग, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कौन हो गया क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट को भी आप ऐड कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि इसके ठीक बाद आपको सेंस फॉर या टिल, इनमें से किसी एक को ऐड करना होगा। तो माइंड कीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा है सुबह से, जो कि हमारा क्या होगा पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम आने पर हमारी जो अंग्रेजी बनेगी से की वो क्या हो जाएगी सिंस, तो सिंस को ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा मॉर्निंग morning, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अब फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा होता कुछ इस प्रकार का सेंटेंस होता कि वह सुबह तक क्रिकेट खेलता रहा, सेंटेंस बदल चुका है थोड़ा सा, माइंड कीजिए मैंने आपसे कहा कि वह सुबह तक क्रिकेट खेलता रहा, तो माइंड कीजिए यहाँ पर जो तक लिखा है ना, ये किसके साथ आ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और ऐसी कंडीशन में इस तक की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या लगाना होगा टिल। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्या कि ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग की जगह यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा टिल मॉर्निंग। तो हो गया ना हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट।
इसी तरीके से आपको भी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझकर ही सिंस फॉर और टिल का यूज करना होगा। अब फ्रेंड्स एक नेगेटिव एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आपके सामने कुछ इस प्रकार का सेंटेंस होता कि मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो वो सेंटेंस हमारा कहां से बनने वाला है? सेकंड वन से। अब आपको करना क्या होगा, नॉट को हैड और बीन दोनों के बीच में ऐड करना है, तो यहाँ पर नॉट को आप ऐड कर दीजिए। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिर से क्या लिख दिया है, से। तो इस से की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें फिर से यहाँ पर रखना होगा क्या, सिंस मॉर्निंग। तो माइंड कीजिए सेंटेंस क्या होगा कि ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, बस सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। और अगर बात करें कि इस हैड और नॉट को शॉर्ट करने की, तो आप शॉर्ट करके भी इसको ऐड कर सकते हो और आप बोल सकते हो ही हैडन्ट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। और अगर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस में मैंने क्या को पहले जोड़ दिया होता और मैं आपसे कहता कि क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो ये सेंटेंस हमारा कहां से बनने वाला था? ये बनेगा हमारा कहां से, फोर्थ वन से। क्योंकि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो जाए और बीच में नहीं लिख के आ जाए, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो फोर्थ वन से बनाए जाते हैं। इसको बनाने का दो तरीका होगा। एक पहला तरीका ये कि आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखो, हेड, और इसके बाद ठीक हमें क्या रखना होगा, सब्जेक्ट। हेड के बाद हमने क्या रखा, सब्जेक्ट। फिर हमें यहाँ पर ऐड करना होगा क्या, नॉट, तो नॉट को ऐड कर दीजिए। बन गया हमारा सेंटेंस कि हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। और अगर स्पीकिंग की बात करें तो आप इस नॉट को यहाँ पर शॉर्ट करके भी बोल सकते हो और आप बोल सकते हो कि hadn't he been playing cricket since morning, क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अगर मैं इस नहीं को मिटा दूं तो हमारे पास सेंटेंस क्या बचा कि क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, और ऐसा सेंटेंस हमारा कहां से बनने वाला था, थर्ड वन से। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉट को हटा देना है, सिर्फ इतना ही बोलना होगा कि had he been playing cricket since morning, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। एक फ्रेंड एग्जांपल और देखते हैं जहां पर हम बात करेंगे किसकी, WH वर्ड की। तो अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा था, ये सेंटेंस हमारा कहां से बनने वाला है, WH से, यानी स्ट्रक्चर नंबर फिफ्थ वन का यूज करके हम इसको बना सकते हैं। अब इस कंडीशन में हमें सबसे पहले WH रखना होगा, जो कि यहाँ पर कौन हो गया, वाई, क्योंकि क्यों को अंग्रेजी में हम लोग वाई ही बोलते हैं। इस WH के ठीक बाद हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, हेड, और हेड के बाद क्या, सब्जेक्ट। तो why had he been playing cricket since morning, वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा था। और अगर फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा होता कि why had he not been playing cricket since morning, तो हिंदी क्या होगी कि वह सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था। इस क्यों के बाद हमें यहाँ पर फिर से नहीं को जोड़ना होगा। और ये सेंटेंस हमारा कहां से बन गया, स्ट्रक्चर नंबर सिक्स वन से। एक एग्जाम्पल और सुनिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता कि I had been dancing for 2 hours, तो हिंदी क्या निकलेगी कि मैं 2 घंटों से नाच रहा था। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 2 घंटों तक नाचता रहा, तो भी आपको यही सेंटेंस बोलना होगा कि I had been dancing for 2 hours, क्योंकि जब बात पॉइंट ऑफ टाइम की होगी तभी हमें सिंस और टिल लगाना होगा। लेकिन अगर बात पीरियड ऑफ टाइम की हो जाए तो चाहे से लिखा हो और चाहे तक लिखा हो, दोनों ही कंडीशन में हमें फॉर का यूज करना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आप प्रैक्टिस की, तो आपको कुछ नहीं करना है, ढेर सारे सेंटेंस बोल लीजिए, हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। कुछ इस प्रकार के आपको सेंटेंस बोलने होगी कि मम्मी हैड बीन कुकिंग फूड टिल 7 o'clock, मम्मी 7 बजे तक खाना बनाती रही। पापा हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, पापा सुबह से नाच रहे थे। सी हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटों से नहीं लिख रही थी। हैड सी बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटों से लिख रही थी। और हैड सी नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटों से नहीं लिख रही थी। Why had she been writing for 2 hours? वह 2 घंटों से क्यों लिख रही थी। तो फ्रेंड्स ढेर सारे सेंटेंस बोल लीजिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।